गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कल हल्की फुल्की आंधी आई और हमारे गार्डन में छोटी मोटी तबाही आ गई है। तो चलिए चलते हैं बैक साइड के गार्डन में और देखते हैं कि वहाँ का क्या हाल है। तो चलिए हमारे बैक साइड के गार्डन में आइए आप लोग, देखते हैं। ये देखिए, इस सरिया पे मैंने बहुत सारी ये हैंगिंग्स लटकाई हुई थी। तो और हमारा देखिए, ये गुलाबास का पौधा है, ये पर्सलेन की जो है सब पौधे हैं, सब गिर गए हवा, तेज हवा से। अंदेशा नहीं था, नहीं तो कुछ मैं पहले से ही व्यवस्था कर लेती। शुक्र है कि मिर्ची के पेड़ चपेट में नहीं आए हैं, और ये गुलाबास का पौधा और ये पर्सलेन की जो हैंगिंग टावर था वही सब गड़बड़ा गया है। बहुत सारे सब ये देखिए, जितने भी थे मैंने रात को ही संभाल संभाल करके निकाल करके आराम से मैंने रख लिए, ताकि और ज़्यादा नुकसान ना हो। अब मैं ये किसी की सब मदद लेकर के इसको सीधा करूँगी, क्योंकि अकेले बस का नहीं है, पीपा भी है तो देखिए ये हमारा जो है बहुत ही हल्का फुल्का, नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा सब सेटिंग बिगड़ गई है, नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है। तो प्रयास करेंगे कि ये सब सुधर जाए, और सुधारने की भी भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको निकाल देंगे जिससे आगे का कार्य करने में आसानी हो। बाद में जैसे भी हमसे संभव होगा अपनी सुविधा के अनुसार इसको सेटल कर लेंगे। तो सबसे पहले इसके वायर को निकालते हैं। वायर को निकालने के लिए मुझे दूसरे की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि अकेले ये कार्य सुधरेगा नहीं और पौधा भी टूट जाएगा। पौधे को भी बचाना है और कार्य को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, सरिया गिरने की वजह से हमारे ये जो है बोगनवेलिया के पौधे को भी नुकसान हुआ है, एक दो ब्रांचे इसकी भी टूट गई हैं। अब कोई बात नहीं, पौधा सलामत है तो ब्रांचे नहीं आ जाएंगी। ये बेचारा गिर गया था, तो इसको भी किसी तरह मैंने सुधार लिया है। अभी इसको और सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये देखिए, बोगनवेलिया की ये भी ब्रांच टूट गई है। तो ब्रांच टूटने से कोई बात नहीं है, पौधा सलामत है, तो बहुत अच्छे से फिर से इसको केयर कर ली जाएगी। और शुक्र है कि हमारी मिर्चियाँ बच गई हैं, नहीं तो मिर्ची के तो पौधे बहुत ही नाजुक होते हैं, जैसे ही चपेट में आती तो ये बिल्कुल फलती फूलती मिर्ची का पौधा हमारा टूट जाता। तो ये देखिए, सब गिरने की वजह से सब टूट मुड़ गए हैं। तो मैं इनसे ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं कर रही हूँ, जैसे तैसे उठा करके मैं इसको ऐसे खड़ा कर दी हूँ। अभी इसके बीच में जो पर्दे का पाइप है, होल है, तो इसमें एक सरिया का सपोर्ट दे दूंगी, तो जिससे ये खड़ा रहेगा आसानी से। नहीं तो ये एक बार जब ये मुड़ गया है, तो जब भी हवा आएगी कि तो ये इसके गिरने के चांस रहेंगे। तो इसलिए जो है सब कुछ देख बराबरी से देखना है। दोस्तों देखिए, ये गुलाबास है, देख सकते हैं आप लोग, इसमें सुबह सुबह कितनी सारी फ्लावरिंग है। अब 9-10 बजे तक ये फ्लावर रहेंगे, उसके बाद में ये सारे फ्लावर जो है सिमट जाएंगे और शाम को फिर खिलेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, एक ही ब्रांच पर, कि ये क्या है, कुदरत का करिश्मा, कितना ही खूबसूरत। कहीं पिंक फूल तो कहीं रानी कलर के फूल तो कहीं येलो कलर के फूल, सब कुछ ये कुदरत का करिश्मा ही है। ये देखिए हमारी ये अपराजिता, देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। वाह, देख सकते हैं कितने सारे फूल हैं। आप लोग गौर से देखिए और गिनिए, काउंट कीजिए कि इसमें कितने सारे फूल हैं। चारों तरफ फूल ही फूल हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक है इसका। सब अगर इस पर भी गिर सकती थी सरिया, तो ये भी टूट सकता था, लेकिन बचा लिया भगवान ने थोड़ा सा कष्ट दे करके। और ये देखिए, ये मोगरे का पौधा है, सब कुछ बच गया आसानी से। ये देखिए, हर एक ब्रांच पर कितनी सारी कलियां भरी हुई हैं। ये दोबारा की फ्लावरिंग है, एक बार फ्लावरिंग होने के बाद में मैंने सारी टिपों को कट कर दिया था, और उसके जस्ट बाद अच्छी सी खाद दे दी थी, भरपूर खुराक इनको दे दी थी। और देखिए कितनी सारी गुच्छों में कलियां भरी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। तो दोस्तों, एक मैंने नया पौधा लगाया था, ये देखिए, इस बेल का, गणेश बेल का पहली बार ये लगाया है। इसमें बहुत ही खूबसूरत छोटा छोटा रेड कलर का, बिल्कुल सुर्ख रेड कलर का फ्लावर आता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको भी शेयर करें। बाकी इसके छोटे छोटे पौधे और मैंने तैयार कर रखे हैं, तो जिसकी मैं एक अलग से
वीडियो बनाऊंगी और उसको अलग सा एक कोई सर्कल दे करके उस पे चढ़ाऊंगी तो बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा, क्योंकि अभी तो धूप है, जब बारिश होगी तो क्या ही गजब के फूल खिलेंगे। तो ये देखिए सनफ्लावर का पौधा सूख गया है, तो इसी पे मैंने सपोर्ट दे, सारे पुराने जो है इस पे फूल लगे हैं, तो इन फूलों को यही मसल करके गमले में डाल देंगे, बहुत फूल के पौधे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह के काले काले बीज होते हैं इसमें, जहाँ कहीं भी होगा डालते जाएंगे ताकि निकलते जाएं। गार्डन बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन डर बहुत बैठ गया था तो रात में हमारे ढंग से नींद नहीं आई, यही चिंता में कि अगर कहीं फिर से कोई आंधी तूफान आ गया तो क्या होगा मेरे बगीचे का। मेरा बगीचा तो बिल्कुल भगवान के भरोसे ही है, लेकिन चलिए बहुत अच्छा है कि ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी, ये भी टूट करके बिखर गई थी, तो इसको मैंने किसी तरह से लपेट लपाट करके ये देखिए चांदनी के पौधे में चढ़ा दिया कि चलो मिलजुल करके हंसो खिलो। अब क्या होगा भाई, अब इन दोनों को मेल जोल बना करके ही रखना होगा, क्योंकि अब ये मॉर्निंग ग्लोरी जैसे पहले से थी अपनी तरफ से आते जाते गई, तो अब इसको जाने के लिए अब यही एक पौधे का सपोर्ट रह गया। और इस पौधे में हमारे जो ततैया होती है, ततैया उस पे रस्सी टंगी है लगी हुई है, तो इन ततैयों को मैं कैसे भगाऊं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा हमको खाएंगी कि ऐसे ही हमारा 2-4 किलो वजन बढ़ा देंगी, अब कोई ना कोई इसके लिए भी जुगाड़ सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा छोटा सा हरा भरा खूबसूरत गार्डन, जिसको लेकर के मैं हर समय एक्टिव रहती हूँ, चिंतित रहती हूँ और इसके ही बारे में सोचा करती हूँ। देखिए ये मेरा बैंगन का पौधा है, कई बार मैंने इस बैंगन की सब्जी बना बना करके खाई है, और अभी मैं इसको पानी वानी पिला रही हूँ। अभी बहुत दिनों से मैंने इसको कोई खाद वाद दी नहीं है, लेकिन अब इसमें फ्लावरिंग दिखी है तो फिर अब मैं इसको खाद पानी भी दूंगी, क्योंकि ये पुराना पौधा है, 2 साल भर पुराना पौधा है। धीरे धीरे सभी को अब भरपूर देखभाल करनी है, और बारिश बरसात से बचाने का देखना है कि कोई पौधे को नुकसान ना हो, आंधी पानी से भी बचाना है। अब ये जो हमारा ये देखिए कितनी भी धूप हो सबको सहन करने की इसके अंदर क्षमता है, कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल फुटबॉल जैसे बने हुए। अभी पिछले साल तो हमारे पास इसके पौधे 3-3 फुट तक के हो गए थे, और अभी ये जितने गर्मी पड़ेगी उतने ये हरे भरे बनते रहेंगे। इनमें जो है देखिए पानी की बहुत बहुत इसको जरूरत रहती है, बस धूप और पानी दो चीजों में ही ये इतना प्रसन्न रहते हैं। और ये देखिए बगल में ये गुलाबास का पौधा है, ये देखिए इसमें बीज है, यही बीज झड़ते हैं, तो ये देखिए इसमें दो पौधे निकल आए हैं। ये तो किसी को दे देंगे, इस गमले में भी बहुत सारे पौधे निकले हैं, और इसमें तो मैं तोड़ तोड़ के डालते ही रहती हूँ, लेकिन ये इसमें जबरदस्ती आ गया है, तो ये जैसे ये देखिए ये निकल रहे हैं, इनको डालते रहती हूँ, तो इससे इनकी जो है वृद्धि होते रहेगी। तो दोस्तों क्या बताएं, कुछ नुकसान हो गया है तो जैसे चेहरे पर की रौनक चली गई है। अभी मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा, केसरिया सही करानी पड़ेगी, फिर इसकी सेटिंग करानी पड़ेगी, बड़ा दिक्कत भरा काम है। तो गर्मी भी सुबह से ही धूप तपने लगी है, अगर हमारे बच गए ये बेचारे, ये भी पौधे बच गए, समझ लो इसके पत्ते तो टूटे हैं, लेकिन इसी के नीचे अडेनियम भी रखे हुए थे, ये देखिए इसकी कई इसी घर्षण से कई पत्ते इसके भी टूटे हैं, ब्रांच को भी हल्का फुल्का नुकसान हुआ है, लेकिन ज्यादा नहीं नुकसान हुआ है। अभी इसको मैं किसी डंडी से बांध करके सीधा कर दूंगी, ताकि जो है ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि नहीं फिर वैसे ही टेढ़ा होता चला जाएगा प्लांट। और देखिए ये अडेनियम है, नए नए पौधे मैंने लगाए थे, तो अभी इनमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, लेकिन पौधे चल रहे हैं। मंगाने के बाद मैंने एक गलती कर दी थी, तो मैंने टिप काट दी थी, शायद इसीलिए इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है 15 दिन में पौधा भी मेच्योर नहीं हुआ है फ्लावरिंग के लिए, इसीलिए इसमें ये सब दिक्कतें आ रही हैं। अभी फ्लावरिंग नहीं हुई, जब आएगी तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये सब टूट टूट करके जो गिरा है, इसकी तो बहुत सारी ब्रांचें ही गड़बड़ आ गई होंगी। कितना सुंदर हमारा ये टर्टल वाइन की ये हैंगिंग थी, अब इसको भी अच्छे से रख लेंगे, उसके बाद में जहाँ कहीं सेट करेंगे सुधर जाएगा। अभी किसी को बुलाएंगे और वो सब संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी प्रयास तो जारी ही रखना है कि कैसे क्या सुधरे, नहीं तो चाय पर रखते हैं। बहुत सारी इसकी ब्रांचें टूट गई हैं, उन ब्रांचों को भी सहेज करके रख लिया हमने,
कि कहीं ना कहीं लगा देंगे। तो दोस्तों भाई हमारा दिल बहुत दुखी है, ये इतनी हल्की फुल्की आंधी में ये हाल है, तो जो जबरदस्त आंधी आएगी तब क्या होगा हमारे गार्डन का। ये देखिए इधर तो आज एक नया मेहमान ये भी आ गया, इसको तो मैंने अभी ही देखा, वाह बहुत ही सुंदर। ये सब पूरे काउस मोस के पौधे हैं, जहां कहीं भी देखो एक बार एक दो पौधे लगाने से इतना सारा सब आ गया। अब इधर देखते हैं चल करके किसी तरह निकल करके, ये पूरी की पूरी ये देखिए सारी कलियां लिए हुए है। ये तो काफी मजबूती से बंधा है, नहीं ये भी नीचे आ जाता है, लेकिन इसको मैंने इतना ज्यादा बांध रखा है, नहीं तो ये भी नीचे आ सकता था। और अभी मैं इसको रेलिंग पे चढ़ाती हूँ, लेकिन फिर ये कूद आता है इधर, ये उधर रहता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मैं अपने गार्डन को सुधारने में लगती हूँ और वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलती हूँ गार्डन को डेकोर करके और सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके, सारी हैंगिंग्स को उनके स्थान पर पहुँचा करके, फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।